ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना। कई विश्वासी लोग ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठते हैं। कई विश्वासी लोग पादरियों की बदनामी 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 मेरे चर्च में आके भी चर्च के लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय मसीह के मेरे सामने करते हैं और पीछे से जाके मेरी खूब बुराइयां करते हैं, खूब बुराइयां करते हैं, स्टाइल में बुराइयां करते हैं। मैं जानता हूं, मुझे पता है, मुझे कोई नहीं भी बताएगा तो भी मुझे पता है। वो मेरे पास दिखावा करते हैं, उस दिखावे का कोई फायदा नहीं। वो परमेश्वर कह रहा है जैसा तू कर रहा है वैसी तेरी औलाद तेरे साथ करेगी, वैसी तेरे परिवार के लोग तेरे साथ करेंगे, वैसे समाज के लोग तेरे साथ करेंगे। ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। पासवान आपके जीवन की भलाई के लिए है। मैं खरा प्रचारक खरा उद्देशक हूँ आप सबको खराई से शिक्षा देने के लिए, खराई से शिक्षा देने के लिए। मैं कोई भी पक्षपात नहीं करता हूँ। एक बहुत बड़ी बात आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, सीख लेना कि इकट्ठा करने वालों की मंडली में हम कैसे बैठते हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था जब पतरस के पास पतरस का हनन्या और सफीरा आए तो जमीन के विषय में उन्होंने झूठ बोला कि जमीन इतने की बिकी है, झूठ बोला। और आके किससे झूठ बोला था उन्होंने? पतरस से। ध्यान से सुनना, जितने लोग हैं आज सुन रहे हैं प्रचार को, पतरस के पास आके झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीन इतने की बिकी थी, झूठ बोल दिया। प्लानिंग कर ली, षड्यंत्र रच लिया और झूठ बोल दिया। और जो झूठ बोला उन्होंने पतरस से, लेकिन पतरस ने क्या बोला कि तुझे क्या आवश्यकता पड़ी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, और तुझे क्या आवश्यकता पड़ी कि तू परमेश्वर से झूठ बोले। वो झूठ तो पीटर से बोल रहे थे, झूठ तो वो पतरस से बोल रहे थे, लेकिन पतरस ने कहा तुमने जो झूठ मुझसे बोला, मुझसे नहीं बोला, मैं खुदा का दूत हूं, तुमने पवित्र आत्मा से भी झूठ बोला है और परमेश्वर से भी झूठ बोला है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। तुमने उससे झूठ बोल दिया और इसका परिणाम क्या हुआ? एक भयानक से परमेश्वर का दंड उसी समय आया और हनन्या और सफीरा उसी समय बारी बारी चले गए। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं, जब स्तुपनुस को घेरा गया था, उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे थे, यहूदी लोग उस पर आरोप लगा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, उसके खिलाफ बातें कर रहे थे, बकवास कर रहे थे, तो स्तुपनुस ने बोला कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हुए आए हो। वो विरोध तो स्तुपनुस का कर रहे थे, तो स्तुपनुस कहता है कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो हटीले मन के लोगों। यानी वो स्तुपनुस का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा का विरोध किया, क्योंकि स्तुपनुस पवित्र आत्मा के आत्मा से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ, वो उनसे बातें कर रहा था, लेकिन वो उस बातों को इनकार कर रहे थे, उसको तुच्छ जान रहे थे। इसीलिए स्तुपनुस ने बोला कि तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हुए आए हो हठीले मन के लोगों। जब परमेश्वर के दासों का उनके द्वारा जो परमेश्वर आपसे बातें कहलवाता है, वचन की शिक्षा दिलवाता है, जो बातें कहलवाता है वो आप सबकी भलाई के लिए कहलवाता है, अगर आप उनका विरोध कर रहे हो, उन शिक्षाओं का विरोध कर रहे हो, उन बातों का विरोध कर रहे हो, आप डायरेक्टली पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हो और पवित्र आत्मा का सामना कर रहे हो। और वचन में लिखा है परमेश्वर के हाथ में पड़ना आवाज नहीं आई भयानक बात है। परमेश्वर के हाथ में पड़ना, वो महान परमेश्वर है, उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है, ध्यान रखना। तो ये गलती ना करें। आज विश्व भर में क्या है, पादरियों की बुराई करने में, निंदा करने में, बदनामी करने में विश्वासी लगे हुए। आज वो भय खत्म हो गया जो भय फर्स्ट सेंचुरी के जो पास्टरों का हुआ करता था, लोगों के अंदर परमेश्वर के दासों का जो डर हुआ करता था, वो सारा भय खत्म हो गया है। उनका जो आदर किया जाता था वो खत्म हो चुका है। आज विश्वासी जो मर्जी पास्टरों के आगे कहता है, पास्टर खड़ा है गाली दे दे के पास्टर के आगे बात कर रहे हैं, पास्टर के आगे नशे की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं पास्टर के आगे। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, उसको कुछ भी समझ रहे हैं। और परमेश्वर इस चीज़ को देखता है और वो परमेश्वर बहुत नाराज़ होता है, ध्यान रखना, वो बहुत नाराज़ होता है, बहुत नाराज़। ये आज विश्वासियों के अंदर डर खत्म हो चुका है, उनके मुँह से गाली निकलेगी, गाली निकाल निकाल के बातें करेंगे पादरी के आगे। कोई डर नहीं है परमेश्वर का, कोई भय नहीं है, और जिस जुबान से गाली निकाल रहे खुदा उसी जुबान को पनिश कर देता है फिर बाद में। ये गलती मत करना कभी भी, बिल्कुल गलती मत करना। बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, हमें कैसे जीवन जीना है। आज हमें हर एक विश्वासी को अपने पादरियों का आदर करना है, सम्मान करना है, हर एक विश्वासी को ध्यान रखना, अपने पास्टरों को रिस्पेक्ट दें, उनको आदर दें। ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठने का मतलब है परमेश्वर की आत्मा का विरोध करना, उसके वचन का विरोध करना। इसीलिए गलातियों 6:7 में लिखा है, हे मेरे भाइयों धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा, मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा, जो आप बो रहे हो वही काटने को मिलेगा, ध्यान रखना। इसीलिए अच्छी चीज़ों को बोएं ताकि अच्छी चीज़ें काटने को मिले। अपने भलाई के काम करें, परमेश्वर के भय में चले और वचन का पालन करें, तभी आप ब्लेस्ड होंगे। इसीलिए क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष वह स्त्री जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलती,
जो दुष्टता के काम नहीं करती, पापियों के मार्ग में खड़ी नहीं होती और इकट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठती। जो भी विश्वासी, जो भी लोग आपके पास खड़े होकर प्रभु के दासों की बुराइयां करते हैं, वचन की बदनामी करते हैं, प्रभु के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, उनकी संगति बंद कर दो। चाहे कोई भी है वो, उसकी संगति बंद कर दो, मिलना जुलना बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो, स्टॉप करो, क्योंकि वो फेलोशिप आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर देगी, खराब कर देगी। वचन में लिखा पूरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक बुरे व्यक्ति की संगति में रहोगे, आपका अच्छा चरित्र है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। पहले तो वही बुराई कर रहा था, अब आपके अंदर भी बुराई आ जाएगी। पहले वही अविश्वास की बात कर रहा था, अब आप भी अविश्वास की बात करोगे, क्योंकि उसकी संगति से आपके ऊपर भयानक असर पड़ रहा है, एक भयानक असर। और आप परेशान होना शुरू हो जाओगे, परेशान होना। और लिखा है ना कि क्या ही धन्य है वह पुरुष, वो स्त्री जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलती, ना पापियों के मार्ग में खड़ी होती है, ना ठट्ठा करने वाले के मंडलों में बैठती है, बैठता है। ये दोनों पुरुष और स्त्री सबके लिए बात कही जा रही है। जब आप इस काम को छोड़ दोगे, आपकी बीमारियां ऑटोमेटिकली चली जाएगी आपके जीवन से। हालेलुया, आपकी बीमारियां चली जाएंगी। आज बहुत से लोग कहते हैं हम बीमार क्यों हैं, जब बैठ के पूरे दिन बुराइयां करोगे, आप बदनामियां करोगे, आप चुगलियां करोगे, तो क्या होगा आपका, क्या होगा शरीर में, चंगाई आएगी क्या, होगा शरीर में, शरीर में आप जो गुनाह कर रहे हो उस गुनाह की सजा मिलेगी। लिखा है हमारा परमेश्वर ताड़ना करता है, ताड़ना, जैसे एक हमारे संसारिक पिता, शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करते हैं, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारी ताड़ना करता है। और शरीर में हमारे रोग आते हैं, बीमारियां आती है। कई ऐसे प्रीचर हैं, प्रचारक हैं, जो सिखाते हैं, कहते हैं परमेश्वर दंड नहीं देता, परमेश्वर पनिशमेंट नहीं देता। ये ऐसा आधा अधूरा ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं आज जगत में, जो लोगों के अंदर केवल एक ही बात सिखाई जा रही है कि परमेश्वर केवल प्रेम करता है लेकिन वो पनिशमेंट नहीं देता। जिसने अपने बेटे के लिए यूनिवर्सल लॉ को, उस कानून को नहीं बदला, तो क्या हमारे लिए बदल देगा? इकलौते बेटे के लिए उसका यूनिवर्सल लॉ नहीं बदला, कानून नहीं बदला, तो हमारे लिए बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। बाइबल साफ कहती है तू पाप करेगा तो दंड पाएगा, दंड पाएगा। तू अच्छे काम करेगा रिवॉर्ड पाएगा, रिवॉर्ड पाएगा। ये बाइबल कहती है, बाइबल और कुछ नहीं कहती है। हम अनुग्रह में हैं, लेकिन अनुग्रह में होने के बावजूद भी पाप करते रहोगे, गुनाह करते रहोगे, तो मसीह की देह और लहू के अपराधी ठहरोगे। वो गलती नहीं कर रही है। इसीलिए अगर ब्लेस्ड होना चाहते हो, आर्थिक रूप से आशीषित होना चाहते हो, मानसिक रूप से आशीषित होना चाहते हो, शारीरिक रूप से आशीषित होना चाहते हो और आर्थिक रूप से आशीषित होना चाहते हो, तो सबसे पहले ये तीन काम बंद करें। गलत फेलोशिप बिल्कुल बंद कर दो, स्टॉप। गलत संगति में रहना नहीं, मिलना नहीं, बिल्कुल बंद करें। और दुष्टता वाले जितने विचार, काम, मन में विचार आते हैं, जो व्यवहार बातें आती है, उसको भी बंद करें। और तीसरी चीज, ठट्ठा करने वाले लोगों के बीच में मत बैठे, जो मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, लोगों का अपमानित करते हैं, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के लोगों का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में ना बैठे, कभी ना बैठे, कभी उनकी संगति में ना रहे, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये तीन प्रकार के लोग आपके आत्मिक जीवन को खराब कर देंगे। बाइबल साफ कहती है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब परमेश्वर के साथ संगति करोगे, आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रचारों को सुनते हो, आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हो, एक स्पिरिट हो जाते हो। और जब एक आत्मा परमेश्वर के साथ हो जाते हो, तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है, अपनी उपस्थिति से आपको बदलना शुरू करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, हे अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, परफेक्ट होता जा। मेरी उपस्थिति तुझे परफेक्ट बनाएगी, मेरी उपस्थिति तुझे सिद्ध बनाएगी। तू एक ऐसा इंसान बनता जाएगा जिसको नॉलेज और विजडम मिल जाएगा। तू एक ऐसा इंसान बन जाएगा, तेरी बातचीत लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगी। तू ऐसा इंसान बन जाएगा कि तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। और अब्राहम ऐसा ही बनता चला गया। अब्राहम को जब चुना था वो सिद्ध नहीं था, वो सिद्ध नहीं था। हम में से सबको जब प्रभु ने चुना, हम में से कोई सिद्ध नहीं था। और आज भी हम सिद्ध नहीं, लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पौलुस कहता हम सिद्ध नहीं, लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कोई पास्टर परफेक्ट नहीं है, कोई बिलीवर परफेक्ट नहीं है, कोई चर्च परफेक्ट नहीं है। वो परफेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, परफेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा के साथ जितना आप समय दोगे, वो आपको परफेक्ट बनाता है, वो आपको ब्लेस्ड बनाता है, वो आपको सिद्ध बनाता चला जाता है। वो कहता है तेरे सारे गलत काम तुझे छोड़ने पड़ेंगे, तभी तेरे जीवन में आशीष आएगी, वरना नहीं आने वाली। उसका एक कानून है, यूनिवर्सल लॉ है। वो कहता है तू अपने जीवन को ठीक कर तो तेरे जीवन में मैं आशीष दूंगा, तू अपने जीवन को ठीक कर तेरे जीवन में मैं आशीष दूंगा। और जीवन कब ठीक होगा? जब तुम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दोगे, अपने समय को यीशु को देना शुरू कर दोगे, परमेश्वर का वचन सुनना शुरू कर दोगे, तुम्हारा जीवन ठीक होता चला जाएगा।
तुम्हारा जीवन ब्लस्ट होता चला जाएगा। उसने इस बात को बोला, लेकिन वो उस व्यक्ति की खासियत बता रहा है। यहाँ पर भजनकार जो है उस व्यक्ति की खासियत बता रहा है इस भजन में, कि वो ही व्यक्ति ब्लस्ट होगा जो तीन काम बंद कर देगा। ये तीनों काम बंद करें आज से, खुदा आपको ब्लस्ट बना देगा, आपको आशीषित कर देगा।